हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस खान व्लॉग। अर्शी खान, तो अभी मेरा फैमिली का जैसे चल रहा है तो मैं अभी आज आई हूँ सन एंड सैंड, जो कि जूहू में पड़ता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो एक पीस है ना, आ जाती हूँ मैं लौट फिर के वही पीस शांति ढूंढने, तो आज मैं इन लोगों के यहाँ लेके आई हूँ। थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि सन है, पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं उन लोगों ने शेड्स लगा दिए हैं अच्छे से। अब मैं यहाँ आपको व्यू दिखाती हूँ और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इट्स रियली ऑसम। ये काफ़ी पुराना है सन एंड सैंड, काफ़ी पुराना हो चुका है। इससे भी अच्छे अच्छे होटल खुल चुके हैं मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, शुरू से मेरा फेवरेट है सन एंड सैंड। और भी है इसके आसपास पर मेरा फेवरेट यही वाला है। और गाइस, ये है यहाँ का व्यू जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद है सन एंड सैंड। तो व्यू देखो आप, इसका बहुत ही क्लासी लगता है, मतलब एक ना रॉयलिटी दिखती है यहाँ पे। प्लेन नहीं है, चार्टर्ड है। तो मम्मी पापा इंजॉय कर रहे हैं अपने जूसेस जो भी मंगाए होंगे इन्होंने, वो मुझे नहीं पता है क्या क्या मंगाया है। क्या मंगाया है तुमने? लेमन सोडा है, फ्रेश लाइम सोडा मंगाया है मम्मी ने, और पापा ने कुछ मैंगो का कुछ मंगाया है। कैसा लग रहा है ये जगह, कैसी लग रही है? मैं हाँ, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत है ना। हाँ, समंदर का किनारा है। पापा को तो बहुत अच्छी लगी ये जगह, जबकि मैं इनको पहले भी लाई हूँ, ये भूल गए। एक बार हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे और पापा भूल जाते हैं। और ये लोग लगे पड़े हैं अपने फ़ोटो सेशन में, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म होगा। जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ फ़ोटो सेशन चालू हो जाता है और ये सबको तंग करता रहता है। आज ये लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और ये तंग करता है, ये बीच में आके खड़ा होता है, ये सबको तंग करता है। आशर एरम पैनिक हो गई बहुत ज़्यादा वाली, चिड़ गई वो अभी, मतलब। तो अशर सच में बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है, बहुत तंग करता है। तो इस तरीके से होता है ना, मीडियम क्लास फैमिली है, यही हरकतें हैं, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बहरहाल आप लोग व्यू देखिए यहाँ का, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। सनसेट अभी होने वाला है, जब सनसेट वगैरह वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे वैसे ज़्यादातर व्लॉग में सनसेट्स ही हैं, है ना, मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में सनसेट ही दिखते हैं मोस्टली, क्योंकि उससे इंसान का नेचर समझ में आता है। तो मैं इस किस्म की नेचर की बनी हुई हूँ, तो शायद इसलिए ऐसा होता होगा कि मैं सनसेट ही दिखाने बैठ जाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे नेचर बहुत बहुत अच्छा लगता है। बेबो, बेबो का मूड थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि उसका भाई उसको बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। हाँ बेबो, बेबो भाई भी तंग करता है। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है ये, मतलब शी इज़ वेरी सिंसियर और एक काइंड, यू नो होता ना, सिंसियर है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समझदार है, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है ये लड़की। और ये कब बड़ी हो गई मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे ये भी नहीं समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कल पैदा हुई थी, आज ही इतनी बड़ी हो गई। जेबा हो गए तेरे फोटोज? हाँ तो एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, गए तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं सन एंड सैंड में, मतलब नॉट बैड। बड़ी वाली बहन तो पहली बार आई है तो, और उसके बच्चे तो वाकई भी पहली बार ही ना, सारा सी और ये सब पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड है सब कुछ देखने के लिए। अब जो पहली बार देखता है उसको होता ही है ना, और मज़ा आया। बेबो को बहुत अच्छा लग रहा है, बेबो अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बेबो को बहुत अच्छा लग रहा है। तो सनसेट होने वाला है बिल्कुल। अरे वाह, क्या लुक दे दिया अशू ने। कोई कोई बच्चे ना वाकई में ना पैदा ही बहुत शैतान होते हैं, जैसे कि ये जब पैदा हुआ था ना ये छोटा, तो नीलू बताती है और मम्मी बताती हैं कि ये ना तभी सबको बहुत घूर घूर के देख रहा था। तो वो था ना, क्या मम्मी वो कौन सी कहावत है, पालने में नज़र आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये वो है, ये पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। ये पैदा भी हुआ था ना तब भी ये घूर ही रहा था सबको। हाँ, जब इसका फर्स्ट बात हुआ था हाँ, तो इसको टब में लिटाया था हाँ, तो ये ऐसे लेट गया था आराम से, बच्चे रोते हैं कुछ हरकत करते हैं, अच्छा, आराम से था हाँ, तो ये माँ पे गया था। ये शुरू से ही लेजी है। इसको वो भी नहीं करना था,
पर जब अच्छा हो जाता है तो सबसे अच्छा बच्चा भी यही है, सबसे अच्छा बच्चा भी यही है, प्यार सबसे करता है। अच्छा इरम्मा से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, इरम्मा से करते हैं हम तो, करते हैं भी नहीं, हम तो करते हैं। ये कह रही है बोले इसको भी मैं कुछ पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो कह रही क्या बहन क्या है ये सब क्या है, समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलूं। अच्छा लग रहा है, सनसेट बहुत प्यारा है, देखिए पीछे का व्यूज कितना प्यारा है। हाँ, सनसेट बहुत बेसिकली यहाँ सनसेट देखने के लिए लोग आते होंगे शायद। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा सनलाइट, अभी जैसे जैसे डाउन हो रहा है तो और हाँ, क्योंकि ब्यूटीफुल व्यू है, नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा सा लोगों को पहले ले आई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा टेबल हम लोगों को मिल जाए, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। और तब से हम लोग सब खाने का वेट कर रहे हैं, वो ही नहीं आ रहा है, सब चीजें हो गई हैं। तो तब से जो जो ऑर्डर किया है सब लोगों ने तो अभी तक आया नहीं है, तो वही वेट कर रहे हैं सब लोग। बहुत ज्यादा अक्षर को बहुत भूख लग गई है, तो ऐसा व्यू है यहाँ का। तो अशु ने ऑर्डर किया है चिकन लज़ानिया, तो ऑर्डर आ गया है ये चिकन लज़ानिया और सैंडविच। ये यहाँ का स्पेशल है तो मैं, मुझे लगा ये दिखा देती, बाकी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। ये कहाँ की डिश होती है मम्मी? ये लज़ानिया बच्चों को तो देंगी। पापे भी रख दिए क्या इस पे? पापा कह रहे इसमें एलोवेरा भी लगा दिया है, पापे भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। प्लेट की उल्टी कर ली, प्लेट ही नहीं, नहीं ले रहा हूँ वही कबाब। मैं तुम्हें शाम को फरीद के कबाब ले, इरम फरीद के कबाब जाने, अरे यहाँ फरीद के कबाब भी चलेंगे है ना। हाँ ये भी तोड़ के दिए जाता है ये लोग। मम्मी कह रही है कि क्या मंगाया है, मैंने चिकन लज़ानिया मंगाया, कह रही है इसमें भुंडे की चुंजी पड़ी है जो हम फेंक देते हैं। चुंजी क्या होता है मम्मी? अब बता नहीं रही है। पापा कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा सॉस सॉस दे दे, क्या पता था मजा आ जैसे खा के। पापा बोल रहे हैं जो रात की रोटी जो सिंक में गिर जाती है, पानी में गीली हो जाती है, वैसा वाला लग रहा है इसको भी। मम्मी कह रही है सही है, बोलते जो रात की रोटियां होती है वो जो भीग जाती है अगर, तो जो वो टेस्ट आ जाता है ना, तो वैसा वैसे भीगी हुई रोटी तुम लोगों ने खा कब ली थी ये भी तो बताओ। ये बात तुझे कैसे लगा? हाँ इन लोगों को जरा समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है? क्या मिली जाती है, अब खा भी नहीं। देख मेरे को तो खा भी लिया, अब क्या रहे? देख मेरे को तो मिलती खा भी नहीं। उधर लज़ानिया जरा समझ में नहीं आया, बोली मेरे सामने से हटा ले इसको, और किसी को भी लज़ानिया समझ में नहीं आया। बाकी चीजें सब इंजॉय कर रहे पर लज़ानिया किसी को समझ में नहीं आया। इरम यार हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, हमने लज़ानिया मंगाया, हमें लगा डिफरेंट लगेगा, इन लोगों को मजा आएगा, फरीद के कबाब में ही मजा आएगा इन्हें, फरीद के कबाब में ना। हाँ, तो ठीक है मैं आज इन लोगों पे फरीद के कबाब भी ले जाती हूँ। ये लज़ानिया डिश जो था तो इसमें क्या रहता है सर? इसमें तीन पास्ता शीट रहता है, मिक्स वेजिटेबल रहता है, चिकन भी है इसमें, चिकन भी रहता है। अगर आप चिकन ऑर्डर करेंगे तो चिकन या तो मिक्स वेजिटेबल रहता है। ये कौन किस कंट्री का डिश है? इडली। इडली का है? अच्छा इडली के लोग आपको ऑर्डर करते होंगे, गाइड करते होंगे ना? हमारी फैमिली को तो ये बड़ा जमा नहीं है, ये नोबडी लाइक। पापा ने मैनेजर को बुला के बोल रही है लज़ानिया, वो बेचारा एक्सप्लेन कर रहा है कि इडली का डिश है। सैंडविच वाज गुड, लज़ानिया उनको पसंद नहीं आता, कहते हैं पता नहीं कौन सी दवाई लेके जाने पड़े मुझे, तो मैं इससे पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या था।
पापा ने पूरे लज़ानिया का पूरा चिट्ठा खोल दिया उसके सामने, बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लगा, कहाँ से है? तो वो बोला बेचारा इटली से है, तो बोलते इटली, यहाँ से इटली वाले मंगाते हैं। एक्चुअली गाइस सब हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली है, तो ऐसी सब चीज़ें देखते हैं ना तो थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है, और जो टेस्ट है ना, एक माउथ का एक टेस्ट होता है हर किसी का, तो उसको वही पसंद आता है। अगर जैसे मेरे मम्मी पापा, तो उनको वही चीज़ें पसंद आएंगी जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग खाते हैं। ये मुझे लगा ऐसा ये समथिंग डिफरेंट, चलो खिला देते। मैंने भी नहीं खाया था पहले कभी, एक ही बार मैंने खाया था जब मैं लास्ट टाइम इरम के साथ आई थी, तो मुझे तो अच्छा लगा था। मे बी मेरा टंग टेस्ट उसी टाइप का है, क्योंकि मैं उतना डाइट में रहती हूँ, उतने वैसे खाने खाती हूँ जिसमें टेस्ट ही नहीं होता है, तो उससे तो बेहतर था ये, मगर इन लोगों को नहीं पसंद आया। तो ऐसे, और जो मैनेजर जो आए थे उनसे भी हम बस ऐसे थोड़ा फ़न कर रहे थे। पापा को मुझे लगा चलो ठीक है पूछो कैसे बनता है क्या है, तो वो पूरा इस तरीके से पूछ रहे थे। तो हो गया हमारा अभी चिकन लज़ानिया। मम्मी कह रही है तो फेंकने की चीज़ है ये, खाने की थोड़ी है। पर कभी कभी ना ऐसा भी मज़ा आता है कि फैमिली के साथ में कुछ भी ऐसा हो जाए ना जो जो चीज़ हंसा दे थोड़ा सा, भले से वो डिश उन लोगों को पसंद नहीं आई, या जो वो खाते खाते वो जो रिएक्शन होते हैं ना, और जो अपने ही घर की जो चीज़ें होती है तो उनके नाम ले लें। जैसे पापा ने बोला कि नहीं ऐसा लग रहा है रात को नहीं रोटी वोटी भीग गई, कभी कभी होता है सिंक में कोई रोटी दिख जाती है पड़ी हुई भीगी हुई, वैसा कुछ दिख रहा है ये, तो मस्ती बहुत करी है। लज़ानिया ने ना मतलब माहौल अलग बना दिया था, पर हाँ खाने में इन लोगों को नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, फिर कबाब खिला देंगे इनको, हमारे यहाँ जोगेश्वरी मिलते हैं फरीद के कबाब, तो कबाब खिला देंगे। पर आज सैटरडे नाइट है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा क्लबिंग भी करा दूँ बड़ी वाली बहन को, क्योंकि अपने यूपी में ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो मुझे लगा करा देती हूँ। पर्सनली आई डोंट लाइक क्लबिंग, मुझे इतना पसंद नहीं है, पर अभी ये लोग आए हुए हैं तो लेके चलते हैं, आज मम्मी को भी लेके चलते हैं, जरा थोड़ा क्लब व्लब दिखाते हैं मुंबई का। तो यहाँ से हम लोग सीधा वहाँ जाएंगे, अगर शूट कर पाई वहाँ का तो वहाँ का शूट करके मैं आपको दिखाऊंगी। चुके हैं सन एंड सैंड से, और मेरी खाला मतलब मुझे बम्बई में बॉम्बे में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा अच्छा घुमा रही हैं, और हम घर आए तो हम बहुत थक गए थे, तो इसलिए मैं आगे की एंडिंग कर रही हूँ, और वो मेरी अर्शी खाला बहुत थक गई थी तो मैं आगे की एंडिंग कर रही हूँ। तो हमारा कल का आगे का कोई प्लान है, तब तक के लिए आप हेल्दी खाइए, फिट रहिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अर्शी खान मिस खान ब्लॉग्स। बाय बाय।